So, दोस्तों आज मैं आपको बताने जाऊंगा एक मैंने काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चूज किया है। और पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो टॉपिक चूज किया वो अपने CMSI मॉडल 14 के ऊपर चूज किया हुआ है, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस पे ही एक और वीडियो बनाऊं, जो कि मतलब क्योंकि जो मैंने फुल रिव्यू वीडियो बनाई थी तो वो 4 डेज की थी, 4 दिन यूज करने के बाद, और अभी मुझे ऑलमोस्ट 13 से 14 दिन हो रहे हैं यूज करते हुए, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू करना था, तो उसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। उसके अलावा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कमेंट के थ्रू मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने काफी लोगों के वहाँ पे आंसर्स दे दिए हैं, लेकिन मैं वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर अप करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं और आप अप टू डेट रहें। सो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट अगर करना चाहूँ तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू ही यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा, क्वेश्चन लेता जाऊंगा और उसी पर्टिकुलर जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसी को लेकर मैं उस चीज का रिव्यू भी करता जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड पूछा गया है कि ये प्लास्टिक बॉडी है या एल्यूमिनियम अलॉय है या क्या है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये प्योरली एक एल्युमिनियम अलॉय बिल्ट है, जिसमें एक भी मुझे फ्लैक्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला है, मैंने आपको रिव्यू वीडियो में दिखाया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड व्यू में देखना है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बैक साइड भी बहुत अच्छी लगी है। सो दोस्तों अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ तो कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये Wi-Fi 6 सपोर्ट करता है या नहीं। तो डेफिनेटली ये Wi-Fi 6 सपोर्ट करता है, और मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से और अपने Wi-Fi से दोनों से चला कर देखा है, बहुत ही अच्छी स्पीड आती है, बहुत ही एक स्ट्रांग सिग्नल रहता है, तो Wi-Fi से कोई भी रिलेटेड आपको इश्यूज नहीं होंगे फॉर गारंटी। और दोस्तों ये मेरे जितने भी रिव्यूज मैं दे रहा हूँ उसके जो भी अच्छा है खराब है मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अगर 50,000 रुपीज़ स्पेंड करे तो उसको कोई ख़राब चीज़ मिले, तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप करता है जो आपकी प्रायोरिटी है आप उसके बेसिस पे देख के लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा है कि इसका सिनेमैन 420 में स्कोर कितना है, तो मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू वीडियो में किया हुआ था इसका अराउंड 620 है, सो दैट इज़ ओके, क्वाइट ओके इंटेल के हिसाब से देखते हुए। अगर इसके अलावा कुछ लोगों ने अपग्रेडेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे रैम के 2 स्लॉट्स हैं, जिसमें से एक जो रैम है अभी लगी हुई है DAB की और सिंगल चैनल अभी शो होता है आपको अगर प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे, लेकिन जो दूसरा स्लॉट है वो आपका एम्प्टी है, उसमें आप जाके नई रैम लगा सकते हैं और आपकी डुअल चैनल रैम में भी कन्वर्ट हो जा रही है। सो अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन है, SSD आप अपग्रेड नहीं कर सकते, 90% यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मैंने आपको रिव्यू वीडियो में दिखाया था इसका। इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस जो है 296 है, नेट्स ब्राइटनेस है। इसके अलावा 78% sRGB कलर गैमेट है, मैंने आपको रिव्यू वीडियो में बताया था कि मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि इसमें फिंगरप्रिंट है या इसमें IR है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं आता है, ना ही यहाँ पे IR स्कैनर है कैमरा, तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग बट दैट इज़ ओके। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ तो लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हम इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं 1080p की या 4K की, तो मैं आपको बता दूँ 1080p एडिटिंग बहुत ही स्मूथ होती है इस मशीन में, और इसके अलावा अगर आप 4K वीडियोज़ एडिट करेंगे तो आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिल सकता है, मुझे देखने को मिला थोड़ा लैग, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और दीज आर माई ऑनेस्ट रिव्यूज़, तो जो भी है अच्छा है ख़राब है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सो दीज आर माई अनबायस्ड एंड नॉन ऑनेस्ट रिव्यूज। और इसके अलावा कैजुअल गेमिंग के लिए मशीन ओके है, कम ग्राफिक्स वाले गेम्स के लिए दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हैवी गेम्स खेलते हैं तो डोंट गो फॉर दिस लैपटॉप। इसके अलावा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों का आया है कि सेम लैपटॉप ये Ryzen 5 4500U प्रोसेसर के साथ भी अवेलेबल हुआ था Amazon में कुछ टाइम पहले, और ये जो मेरे पास पर्टिकुलर लैपटॉप है ये i5 10th generation के साथ में आता है, तो लोगों का क्वेश्चन है कि हमें Ryzen 5 4500U के लिए रुकना चाहिए या हमें i5 10th generation लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Ryzen 5 4500U अगर आप बेंचमार्क पे स्कोर करेंगे तो दैट गोज अराउंड 2000 mark, और इसका 600-700 आता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं राइजन 5 कितना कैपेबल प्रोसेसर है। Ryzen 5 6 cores हैं इसमें और आपको i5 में मिल जाते हैं 4 core प्रोसेसर, तो वो डेफिनेटली Ryzen 5 जो एक 7 नैनोमीटर की चिप है
तो बहुत ही ज़्यादा वो कैपेबल और एफिशिएंट है। और अगर सेम प्राइस रेंज में आता है तो मेरे को लगता है राइजन 5 4500U के साथ आपको जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5 5 10 जनरेशन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोगों का आया है कि आसुस वीवो बुक हमको जो राइजन 5 वाला मॉडल है वो लेना चाहिए या हमें MSI मॉडल 14 ये जो मेरे पास सामने है i5 10th जनरेशन इसके लिए जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आसुस वीवो बुक 14 मैंने भी विश लिस्ट किया हुआ था खरीदने से पहले, लेकिन आसुस वीवो को जब मैंने बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज किया तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉन्स देखने को मिले। हाँ आसुस वीवो बुक इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स मुझे 44 या 43,000 का मिल रहा था और ये मुझे 50 का मिला है, तो देर इज अ डिफरेंस आप देख सकते हैं 6-7 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। लेकिन आसुस वीवो बुक टोटली प्लास्टिक बॉडी है जिसमें स्क्रैचेस आने लग जाएंगे जो कि बहुत खराब लगेंगे आपके लैपटॉप को, आप नहीं चाहते कि आपका लैपटॉप कुछ भी खराब हो या कुछ हो। सो MSI मॉडल 14 की अगर मैं बात करूँ तो एल्युमिनियम बिल्ड है, आपको कोई भी स्क्रैचेस या वगैरह देखने को कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो इशू मुझे देखने को मिला है, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस और जूम करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि सपोज देखिए ये मैंने यहाँ पे टच किया हुआ है, ये देखिए मैंने ये टच कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो ये फिंगरप्रिंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत जल्दी फिंगरप्रिंट क्रिएट कर देता है। तो सो आपको ये बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखना होगा और क्लीन करना होगा हर टाइम जब भी आप यूज़ करें, सो इट विल बी नाइस। लेकिन ये कोई डॉट पैचेस आगे चल के नहीं देंगे, दीज आर जस्ट टेम्पोरेरी। सो आसुस वीवो बुक की कंपैरिजन में उसकी डिस्प्ले TFT डिस्प्ले है बिल्कुल 10 हज़ार रुपये के लैपटॉप के जैसी, बहुत ही खराब डिस्प्ले है बिल्कुल भी, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई लोगों को। उसके अलावा बैटरी बैकअप उसका बहुत खराब है और बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बताई थी कि प्लास्टिक बिल्ड है। और अगर ये सारी चीज़ें आप MSI मॉडल 14 की कंपेयर करें मेरी वीडियो देख के फुल रिव्यू वाली, तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लोगों को क्वेश्चन था कि कीबोर्ड और बैक लाइटिंग में आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपके क्या थॉट्स हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि मैं बैक लाइटिंग से, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये वहाँ पे मैं बैक लाइटिंग से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ। यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस दिए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सो ये मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा है यहाँ पे बैक लाइटिंग से, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे कीज़ जो है कीज़ काफ़ी बिग दी हुई है, मतलब दूसरे 14 इंच के लैपटॉप से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कीज़ का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है और की ट्रेवल भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत सही है। सो आई एम इम्प्रेस विद द कीबोर्ड एंड बैक लाइटिंग। हाँ अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूँ तो ट्रैक पैड इज ओके, खराब भी नहीं है अच्छा भी नहीं है, मैं एवरेज बोलूंगा इसको क्योंकि ये ग्लास ट्रैक पैड नहीं है, सो इट्स गुड। इसके अलावा यहाँ पे अगर जो सबसे मेन चीज़ इस लैपटॉप की और ये जो लैपटॉप लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, वो है इसका थिन एंड लाइट डिज़ाइन जिसे हम कॉम्पैक्टनेस बोल सकते हैं, और ये लैपटॉप की प्रीमियमनेस जो मैकबुक से ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये लैपटॉप। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये बिल्कुल लाइट वेट है और इसके अलावा बिल्कुल थिन है, और यहाँ पे हिंज बहुत अच्छी दी गई है इसकी, और इसको आप यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ ये पूरा 180 डिग्री चला जाता है यहाँ पे। सो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं यूँ करके तो आप टेबलेट मोड में भी इसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बैक में आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ तो बैक में ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन दिया गया है, साउंड वेव्स के तरीके और बिल्कुल क्लियर लुक यहाँ पे दिया गया है। सो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। उसका 1.29 kg वेट है ओवरऑल। इसके अलावा प्रीमियमनेस बहुत अच्छी है, फुल व्यू डिस्प्ले है यहाँ पे मिल जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की थी आपको वहाँ पे। इसके अलावा डिस्प्ले की बात मैं अगर करूँ पर्टिकुलर तो यहाँ पे, सो दोस्तों सारे एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे अभी ओवरऑल कवर ही कर दिए हैं, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, नॉर्टन सिक्योरिटी मिल जाती है, 1 मंथ का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रायल मिल जाता है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेपरेट बटन्स दिए हुए हैं फॉर स्क्रीन शॉट फॉर कैमरा ऑफ एंड ऑल, तो बहुत सारी चीज़। दोस्तों फाइनली जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे फाइनल थॉट्स हैं और मेरे फाइनल वर्डिक्ट है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसा लैपटॉप देख रहे हैं जो 50,000 तक हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया हुआ है टॉप 5 लैपटॉप बिटवीन 35,000 टू 50,000, तो आप वो ज़रूर देखें, आपको एक आइडिया मिलेगा। क्योंकि अगर आपको MSI के अलावा दूसरा कोई लैपटॉप लेना है तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और इसके अलावा अगर आपको यही पर्टिकुलर मशीन पसंद है तो आप सबसे पहले मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए, फिर उसके बाद फुल रिव्यू वीडियो देखिए, और उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रिव्यू देखिए, तो आपको डेफिनेटली आपके जितने सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप एक फाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे किस लैपटॉप के लिए जाना चाहिए। सो
So that's it all about the video. So thanks for watching. Catch you in the next later. And don't forget to subscribe and like.